संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देशों का पालन कराने में अशोकनगर जिला प्रशासन खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। दरअसल अनलॉक में शर्तों के साथ जनता को थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन ढील मिलते ही बाजारों में भीड़ दिखने लगी। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने और नियमों का पालन करवाने के लिए कलेक्टर की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले के सामने ही बैंकों और दुकानों के सामने भीड़ लग रही है और लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे। अधिकारियों ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। के बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो संबंध में जो आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा निकाले गए हैं उनका कितना पालन हो रहा है और उनकी समीक्षा की जाने के उद्देश्य से और लोगों में ये संदेश दिया जाना है कि हमें कोरोना के लड़ाई को अभी भी लड़ना है और किन बातों से लड़ना है, इस संबंध में अधिकारियों पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधीश महोदय द्वारा अधिकारी पास पर उपस्थित होकर समीक्षा भी की गई और शहर का भ्रमण कर एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट किया गया था कि जो मास्क लगाएं, जो निर्धारित दुकानें जिस दिनांक को की गई हैं उसी दिनांक को खोलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के संबंध में अभी भी पुरानी सावधानियों को बरतें। सर, जहाँ जैसे देखा जा रहा है कई जगहों पर बैंक वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कई दुकान वाले नहीं, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो दुकान निर्धारित जगह पर निर्धारित दिनांक और निर्धारित समय के पश्चात खुली होगी उस पर निश्चित रूप से जुर्माने की कार्रवाई की जाकर सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी और बैंकों को भी संबंध में अलग से पत्र जारी किया जा रहा है। अभी SDM साहब के द्वारा भी बताया गया है कि बैंकों को अलग से पत्र लिखा जाकर व्यवस्था बनाए जाने के संबंध में आदेशित किया जाए।